है। पर्यावरण, पर्यटन और प्रोटोकॉल मंत्री आदित्य ठाकरे ने शनिवार को स्कूलों में छात्रों को विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून के बारे में पढ़ाने के लिए भाजपा के अभियान पर सवाल उठाया। युवा शिवसेना नेता ने कानून के बारे में जागरूकता फैलाने और सही गलत सूचना देने के लिए मुंबई के माटुंगा इलाके के कुछ स्कूलों का दौरा करने किया था। इसके एक दिन बाद देश भर में विरोध प्रदर्शनों को हवा देने वाले सीए कानून पर ट्वीट किया। आदित्य ठाकरे ने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक नेता को छात्रों की शिक्षा के लिए योगदान करने के लिए क्या करना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि स्कूलों में एक कानून को लेकर अभियान हास्यास्पद है। इस तरह के राजनीतिक प्रचार की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गलत इरादे नहीं है, स्कूलों का राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर राजनेता स्कूलों में बोलना चाहते हैं तो लैंगिक समानता, हेलमेट स्वच्छता पर बोले। बता दें कि भाजपा सीए के प्रावधानों के बारे में संदेह को दूर करने के लिए सभी रास्ते अपना रही है और एक डोर टू डोर अभियान शुरू चला रही है, जो 3 करोड़ परिवारों तक अधिनियम के बारे में धारणाओं को स्पष्ट करेगा। शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में संसद में पेश होने पर नए कानून के लिए मतदान करने से परहेज करके राज्यसभा में यू टर्न ले लिया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून पर विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठ ने देश में अराजकता फैला दी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस नए कानून का लक्ष्य लोगों को नागरिकता देना है, उनसे नागरिकता छीनना नहीं। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे लोगों के घर घर जाकर उन्हें नए कानून के प्रावधानों के बारे में समझाएं। गुजरात पुलिस की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आयोजित समारोह में शाह ने आरोप लगाया विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे सीएए के बारे में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। इसके कारण पूरे देश में अराजकता फैल गई है। उन्होंने कहा कि इस कानून का लक्ष्य 3 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में परेशान किए जा रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।